हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ क्लास 10 साइंस। द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ पार्ट ऑफ योर फिजिक्स सेक्शन। सो टुडे इन दिस लेक्चर, दिस इज आवर फंडामेंटल क्लास। सो इन दिस क्लास वी विल नॉट डिस्कस मच मोर थिंग्स, सिंपली वी विल गो गेट सम फंडामेंटल आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज एंड कंडक्टर्स। ओके, आज इस क्लास में हम बस इतने ही चीजें के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो बिफोर वी नो व्हाट इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली इज, इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली क्या है उसको जानने से पहले हम लोगों को एक चीज के बारे में पहले जानना पड़ेगा कि एक चार्ज क्या है। क्या है चार्ज? व्हाट ए चार्ज इज। चार्ज कहने से हम लोग क्या समझते हैं? जनरली उसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल के तौर पर अगर हम उसको समझेंगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इफ नाउ आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ, इफ आई विल रब ए ग्लास रॉड को, मैं क्या करूंगा, एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करूंगा। किसके साथ रब करूंगा? एक ग्लास रॉड। सपोज दिस इज द ग्लास रॉड एंड दिस इज द सिल्क क्लॉथ। ठीक है, अगर मैं इसको रब करूंगा, रब करने के बाद मेरे को मिलेगा कि कुछ समय रब करने के बाद मेरे को ये दिखेगा कि दिस ग्लास रॉड विल डेफिनेटली अट्रैक्ट दिस सिल्क क्लॉथ। ये सिल्क क्लॉथ क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? उससे और अच्छे से समझने के लिए अगर हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप जब घर पे कंघी करते हैं, व्हेन यू कॉम्ब योर हेयर, your dry hair, at that time you will see that तीन चार बार ऐसे कंघी करने के बाद आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो कंघी है it will attract your hair, hair को भी क्या करता है वो अपने ओर खींचता है। अगर आप इसको नोटिस नहीं किए हो तो चाहे उसको देख सकते हैं आप घर पे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कुछ रबिंग एक्शन होता है, कम और हेयर के बीच में क्या हुआ है, कुछ रबिंग एक्शन हुआ है, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आके घिसे है एक दूसरे से। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे ये जो ग्लास राउंड था, ये सिल्क था, ये एक दूसरे के साथ क्या हुआ है, घिसे है, रबिंग हुआ है। ड्यू टू द रबिंग एक्शन यहाँ पे क्या होता है कि दोनों बॉडी क्या हो जाते हैं, चार्ज्ड बॉडी हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? सिल्क क्लॉथ जो था वो भी चार्ज्ड हो गया और ये जो आपका ग्लास राउंड था ये भी आपका चार्ज्ड हो गया। ठीक है, लेकिन ये चार्ज कैसे होता है, समझ में आ रही है? ये क्यों चार्ज हो गया और कैसे चार्ज हो गया? इसीलिए चार्ज हो गया बच्चों, बिकॉज देयर इज ए चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन नाम का एक पार्टिकल है जो क्या करता है कि नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। वो जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर हो जाता है उसी समय क्या होता है कि वो बॉडी क्या होता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम मान लेंगे कि, तो मतलब हम ये सोचेंगे, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब हम कंघी करते हैं, कंघी करते समय क्या इलेक्ट्रॉन कंघी से निकलकर हेयर या फिर हेयर से निकलकर कंघी तक आता है क्या? हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। जैसे कि ग्लास रॉड और सिल्क का बात अगर हम करेंगे, इफ वी विल टॉक अबाउट ग्लास रॉड एंड सिल्क, व्हाट हैपेंस हियर, द इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क, सिल्क से, सॉरी ग्लास रॉड से सिल्क तक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड एज ई माइनस। दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क, सो दैट व्हाट हैपेंस, द ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, ये ग्लास रॉड आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए हुआ, ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, इनिशियल स्टेज में जब मैं ये दोनों पर रब नहीं किया था, एट दैट टाइम दिस ग्लास रॉड वाज आल्सो न्यूट्रल एज वेल एज दिस सिल्क क्लॉथ वाज आल्सो न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल थे। बट जब मैं क्या किया, दोनों को जब मैं रब किया, रब करने के बाद क्या हो गया कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर सिल्क के पास चला गया। समझ में आ रहे हैं? इनिशियल में न्यूट्रल था, जो न्यूट्रल बॉडी जो था वो न्यूट्रल बॉडी मतलब कि इसमें जितना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था उतना ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। ठीक है ना, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जितना और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उतना रहने से क्या था कि वो न्यूट्रल था।
होगा, जब उसमें से नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसमें से निकल कर चला गया, तो नेगेटिव कम हो गया तो न्यूट्रल नहीं रहेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब सिव के पास आते हैं, सिव की इनिशियल स्टेज में क्या था, इट वाज आल्सो न्यूट्रल, समझ में आ गया, सिव वाज आल्सो इनिशियली न्यूट्रल, बट जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसके पास ज्यादा हो गया, सो इट बिहेव लाइक ए नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इसको समझने के बाद अगर हम चार्ज का डेफिनेशन लिखेंगे, देन व्हाट विल बी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी को फ्लो होता है उसी फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, समझ में आ रही है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज अगर पढ़ेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ज वाज गिवन बाय, सॉरी चार्ज हम लोग कितने टाइप का है, दो टाइप का चार्ज है, एक है आपका पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड वन इज योर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, चार्ज दो टाइप का है और क्या क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, द टाइप्स ऑफ चार्ज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द साइंटिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज जो दो टाइप है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसको कौन बताए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक साइंटिस्ट थे, वो बताए थे कि जो चार्ज है ये दो टाइप का है, ठीक है, तो ये दो टाइप ऑफ चार्ज के बाद हम लोग उसका प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो चार्ज है चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी है, क्या क्या है उसका प्रॉपर्टी देखिए, अभी हियर इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज अनलाइक चार्जेस ईच अदर, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, ये क्वेश्चन में भी कमिंग टू योर माइंड, दैट व्हाट डू यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक चार्ज एंड व्हाट इज अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज मींस सेम चार्ज, अनलाइक मींस ऑपोजिट चार्ज, देखिए लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, इसका मतलब यह है एक अगर पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों चार्ज अगर आपको पॉजिटिव हो जाएंगे ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा इट इज रिपल्सिव फोर्स, क्या कहते हैं उसको, रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज अगर रहेगा तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है ना, तो ये था आपका लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, नेक्स्ट है आपका अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक मतलब कि ऑपोजिट चार्जेस, एक चार्ज अगर आपका पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव रहेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्शन होता है, जिसके चलते हम लोग ये देख रहे थे कि आवर कंग वाज अट्रैक्टिंग आवर हेयर टुवर्ड्स इट, है कि नहीं, ये जो कंघी था वो बाल को उसके तरफ क्या कर रहा था, खींच रहा था, ठीक है, दैट इज योर अट्रैक्शन, दोनों ऑपोजिट चार्ज हो जाएंगे तो अट्रैक्शन होगा, दोनों सेम चार्ज रहेंगे तो रिपल्सन होगा, इसका मतलब ये है ए पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज रिपेल ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज अट्रैक्ट ए नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, बट पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एंड नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा,
समझ में आ रहा है क्या? ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या है, कौन से यूनिट से हम चार्ज को मेजर करते हैं। चार्ज का हमको पता चल गया, लेकिन कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, कितना चार्ज है, उसको मेजर करने के लिए हमको किसका जरूरत है, उसको मेजर करना पड़ेगा। मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए, है कि नहीं। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज सिंपली द चार्ज इज ऑलवेज मेजर्ड इन योर एसआई यूनिट, एंड द एसआई यूनिट ऑफ योर चार्ज इज कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एंड इट इज डिनोटेड एज सी। सी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, किसको, कूलम को, ठीक है ना। एंड द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था उस इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज रहता है उसको भी देखिए। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। या फिर उसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये था आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या है, अपना प्रोटोन है, तो प्रोटोन का इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ ए प्रोटोन, प्रोटोन का चार्ज कितना हो जाएगा, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटोन का चार्ज है 1.6 प्लस 1.6 है, ये माइनस नहीं है। माइनस किसका है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, बस प्रोटोन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। इसीलिए दोनों का नंबर इक्वल रहने से एक बॉडी न्यूट्रल बिहेव करता है। अभी समझ में आ रहा है ना। लोहा का बात करेंगे, एल्यूमिनियम का बात करेंगे, एल्यूमिनियम में जो कंडक्टर, एल्यूमिनियम का क्या होता है, चार्ज हो जाता है वो, बट जनरल केस में जब उसको थ्रू करंट फ्लो नहीं करता है, उसको जब आप टच करते हो करंट लगता है, शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं ना होता है। इसीलिए नहीं होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम वायर के अंदर एक्चुअल में जितना न्यूट्रल पार्टिकल है, सॉरी जितना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन जितना है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है। इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, एंड द वायर एज ए होल बिहेव्स लाइक ए न्यूट्रल बॉडी। ओके, वो एक न्यूट्रल बॉडी जैसा बिहेव करता है। समझ में आया, ये था आपका चार्ज के बारे में एक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है, जब ये चार्ज, एक बॉडी जब चार्ज हो जाता है, चार्ज कैरी करने के लिए चार्ज एक जगह से दूसरे जगह कैसे फ्लो होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक जगह पे स्विच ऑन ऑफ करते हैं, स्विच दबाने से करंट चला जाता है बल्ब के पास और बल्ब ग्लो करता है, है कि नहीं। तो ये कैसे होता है, दैट मींस डेफिनेटली देयर इज ए चार्ज कैरियर, है कि नहीं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अभी आएगा हम लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्या, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये क्या कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है, अभी देखिए। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, द बॉडी थ्रू विच चार्ज कैन फ्लो और द बॉडी विच कैरीज चार्ज इज कॉल्ड कंडक्टर।
इज कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहेंगे? द बॉडी थ्रू विच चार्ज कैन फ्लो, जिसके थ्रू चार्ज फ्लो करेगा उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टर कहेंगे, और जिसके उसको कंडक्टर कहेंगे। तो डेफिनेटली तो इंसुलेटर क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट है, जिसके थ्रू चार्ज फ्लो नहीं करेगा या फिर जो चार्ज कैरी नहीं करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। तो उसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सब मेनली ये सब है। एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिकली कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकली दे कैरी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लो का क्या? इंसुलेटर। इंसुलेटर का डेफिनेशन अगर लिखेंगे, द बॉडी विच डज नॉट कैरी चार्ज, द बॉडी विच डज नॉट कैरी चार्ज इज कॉल्ड इंसुलेटर। जिस बॉडी क्या अगर जो बॉडी क्या करता है, चार्ज को कैरी नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? इट इज नोन एज इंसुलेटर। तो उसका एग्जांपल लिख लेते हैं। ड्राई वुड इंसुलेटर, और क्या है? ड्राई वुड, प्लास्टिक, ग्लास। देखो हम अभी पढ़े थे ना, ग्लास रॉड को हम सील के साथ रब किए थे, वो चार्ज हो गया था, पॉजिटिव चार्ज गेन किया था ग्लास रॉड। लेकिन यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि ग्लास को किसके अंदर? इंसुलेटर के अंदर लिखा हूँ। ये इंसुलेटर इसीलिए है बेटा क्योंकि ये क्या करता है कि चार्ज को कैरी नहीं करता, खुद चार्ज हो जाता है कुछ देर के लिए, लेकिन ये क्या होता है कि चार्ज को कैरी नहीं कर पाता है। जो चार्ज को कैरी करेगा वो होगा कंडक्टर, जो चार्ज को कैरी नहीं कर पाएगा वो हो जाएगा आपका इंसुलेटर। ये था आपका कंडक्टर और इंसुलेटर का डेफिनेशन। बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि द ऑब्जेक्ट व्हिच इज एबल टू कैरी द करंट इज नोन एज कंडक्टर। जो चार्ज को कैरी कर पाएगा वो हो जाएगा आपका कंडक्टर, जो चार्ज को कैरी नहीं कर पाएगा वो होगा आपका इंसुलेटर। देखिए ये जो कंडक्टर और इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ रहे हैं, हम जो डेफिनेशन से सीखे हैं कि कंडक्टर क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज को कैरी करता है, इंसुलेटर लेकिन चार्ज को कैरी नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन इसके पास ऐसा क्या खासियत है जिसके चलते ये इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज को कैरी कर लेता है बट इंसुलेटर इज नॉट एबल टू कैरी द चार्ज? ये बात समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा अभी इन लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। केमिस्ट्री में क्लास 9 में आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं उसमें आप लोग सीखे जानते होंगे कि द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो के सेल, एल सेल, एम सेल पढ़े थे, द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट दे आर नोन एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सुनो, तो होता क्या है एक्चुअली, इन केस ऑफ कंडक्टर्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मोर। Yes or no? In case of conductors, the electrons which are free, they are known as free electrons. The free electrons are loosely packed. जो nuclear force जो रहता है, nucleus जो attract करके रखता है electron को अपने surrounding में, तो वो क्या होता है कि वो nuclear force जो है, वो उसको weak nuclear force के जरिए उसको क्या होता है? ज़्यादा force इन लोगों के ऊपर नहीं लगता है electron के ऊपर. They are free to move. That's why they are known as free electrons. The number of due to the presence of free electrons in conductors, due to the presence of free electrons, the conductors are able to carry charge.
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स द कंडक्टर्स आर एबल टू कैरी चार्ज बट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलमोस्ट जीरो ये भी कह सकते हैं उन लोगों का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है एज देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो इलेक्ट्रॉन कुछ फ्री रहेंगे तभी ना कंडक्टर के केस में क्या होता है जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो लोग क्या होते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि फ्री रहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं न्यूक्लियस का जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है बांध के रखता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना इफेक्टिव नहीं होता है वो फोर्स समझ में आ रहा है कि नहीं जिसके चलते क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं फ्री रहते हैं और तुरंत इजीली एक जगह से दूसरे जगह को मूव कर जाते हैं दैट्स व्हाई कंडक्टर्स आर एबल टू कैरी द चार्ज है कि नहीं वहां पर न्यूक्लियस का जो फोर्स रहता है वो वीक रहता है ठीक है लेकिन इन केस ऑफ इंसुलेटर्स वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं समझ में आ रही है वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ Insulators are not able to carry the charge. इंसुलेटर के कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं तो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं दे आर टाइटली पैक्ड इनसाइड द एटम एटम के अंदर क्या होता है और न्यूक्लियस का जो फोर्स रहता है उसके द्वारा टाइटली एकदम बांध के वो लोग सब रहते हैं इन लोगों को बाहर निकालना इतना इजी नहीं होता है दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू कैरी द चार्ज इसीलिए इंसुलेटर चार्ज को कैरी नहीं कर पाते ये उसका कॉन्सेप्ट है बेसिक आइडिया है कि ये चार्ज कंडक्टर क्यों चार्ज को कैरी कर पाते हैं बट इंसुलेटर चार्ज को क्यों कैरी नहीं कर पाते क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहता है बट इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं रह पाते हैं इसीलिए वो कैरी कर पाते हैं ये कैरी नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट रहता है आप लोगों का लास्ट चीज आज का जो मैं बताने जा रहा हूँ देखिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों का ये दो टाइप का इलेक्ट्रिसिटी है Electricity is classified into two types. Electricity को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है The first one is your static electricity. And the second one is your current electricity. तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है अभी मैं बता रहा हूँ दोनों में क्या होता है चार्ज बॉडी तो चार्ज होगा ही होगा ठीक है बट इसको स्टैटिक क्यों कहते हैं उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बॉडी चार्ज हो जाता है लेकिन यहाँ पे चार्ज कैरी नहीं हो पाता है चार्ज एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो नहीं कर पाता है अगर जैसे कि हम बात कर रहे थे ये था आपका ग्लास रॉड ये था आपका सिल्क क्लॉथ तो उसको रब करने के बाद ये तो चार्ज हो गया लेकिन चार्ज होने के बाद इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हुआ चार्ज एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो नहीं कर पाया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इसीलिए ये है आपका क्या एक इंसुलेटर इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा है चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है समझ में आ रही है अगर इसके थ्रू ये ग्लास रॉड के थ्रू अगर आपका चार्ज फ्लो हो जाता तो ये हो जाता आपका क्या कंडक्टर लेकिन इसके थ्रू फ्लो नहीं हो पा रहा है इसीलिए ये क्या है एक इंसुलेटर है सिमिलर केस में अगर कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो जाता है बट क्या होता है उसके थ्रू चार्ज फ्लो नहीं कर पाता है चार्ज हो जाएगा बॉडी नो मैटर लेकिन चार्ज उसमें फ्लो नहीं हो पाएगा दैट इज नोन एज योर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ रही है यहाँ पे क्या होता है देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज समझ में आ रही है There is no flow of charge. यहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह को चार्ज फ्लो नहीं करेगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बट इन केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज चार्ज यहाँ पे क्या करेगा फ्लो करेगा इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ रही है
ये क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, चार्ज हम लोगों का फ्लो करेगा। हम लोग ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो पढ़ेंगे जनरली वी विल डिस्कस अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। वी आर नॉट गोइंग टू रीड अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सिंपली थ्रू आउट दिस चैप्टर वी विल गो एंड डिस्कस अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, एक जगह से दूसरे जगह को मूव करेगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को मूव करेगा। इसीलिए तो इसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। दैट मीन्स when there is a flow of charge it is known as current। सीधी सी डेफिनेशन, अगर हम करंट का डेफिनेशन सीखेंगे ये तो अलग चीज हो जाएगा, फिर भी मैं लिख लेता हूं आज लास्ट में। करंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, करंट को आई से डिनोट करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा उसका डेफिनेशन में लिख देता हूं, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज का जो फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अरे चार्ज नाम का कोई चीज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं है, दैट इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है दैट इज नोन एज चार्ज। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो चार्ज नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से उसको चार्ज कहते हैं, और वो चार्ज जो एक जगह से दूसरी जगह एक बॉडी से दूसरे बॉडी फ्लो करते हैं उसका फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इतना ही सीखिए, उसका एक्चुअल डेफिनेशन रहेगा आपका फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम आगे पढ़ेंगे, इतना जान जाइए कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। उसको हम आगे ब्रीफली डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।